गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम एक ऐसा सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। साथियों, आज हम एक से लेकर के 20 तक के भाजकता के नियम है उनका हम अध्ययन करेंगे, यानी कि इसकी शॉर्टकट ट्रिक पढ़ेंगे कि किस संख्या में किसका भाग जाता है और किसका भाग नहीं जाता है। काफ़ी बार हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें हमें भाग देकर के चेक करना पड़ता है, लेकिन आज मैं इस सेशन में आपको ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा कि आप बिना भाग दिए बता दोगे कि इसमें किसका भाग जाएगा। तो साथियों, आपको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक करें, साथ ही साथ सेशन को शेयर कर दें। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए साथियों, आज हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला सेशन है कि एक की भाजकता का नियम क्या है, यानी कि किसी भी संख्या में एक का भाग जाता है या नहीं जाता, इसका नियम क्या है। तो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि एक के भाजकता का नियम, यानी कि किसी भी संख्या में एक का भाग पूरा पूरा जाता है, चाहे कोई भी संख्या हो जाए। तो लिखा हुआ है कि सभी पूर्णांक एक से विभाजित होते हैं। पूर्णांक का मतलब है माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं जिसमें एक का भाग जाता है, क्योंकि साथियों एक ऐसी संख्या जिसका भाग देंगे तो वापस वही संख्या प्राप्त होगी। तो एक का नियम अपने को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा नियम पढ़ते हैं हम। तो दूसरा नियम है हमारा, वो है दो का भाजकता का नियम, यानी कि दो का भाग किस किस में जाता है और किस किस में नहीं जाता है। तो इसके लिए एक पहचान होती है, वही नियम होता है। पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है कि यदि किसी संख्या के अंक में इकाई का अंक, यानी कि किसी संख्या उसका इकाई का अंक है, वो क्या हो, या तो जीरो हो या कोई सम संख्या। सम संख्या का मतलब है या तो दो हो या चार हो या छः हो या आठ हो, इनमें से कोई भी एक अंक है तो वह संख्या दो से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित होगी। यानी कि हमें कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं दे दे, हमें सिर्फ उसका इकाई का अंक चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें उसका इकाई अंक चेक करना है कि इकाई का अंक क्या है, वही हमें देखना है। यदि इकाई का अंक जीरो, दो, चार, छः, आठ, इनमें से कोई भी हो जाता है तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है, उदाहरण लिखा हुआ है 512, यानी 512 में दो का भाग जाता है नहीं जाता, हम भाग देके चेक करेंगे तो पता चलता है, लेकिन हमारी पहचान है, देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक इसमें दो है, और जिस संख्या में इकाई का अंक दो होता है वो दो से इनकी सम है। सम है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह संख्या 512 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो मित्रों, हमने अभी पहला एक का नियम पढ़ा और दूसरा दो का नियम पढ़ा। एक बार आप, मैं इसको साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगला नियम पढ़ते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ये वीडियो सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, चाहे BSTC की तैयारी करता हो, चाहे वो स्कूली शिक्षा में पढ़ता हो, चाहे किसी प्रकार की अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हो, सब में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए हमारा नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं, तीन से भाजकता का नियम क्या है। तो हम तीन से भाजकता का नियम पढ़ते हैं। तो इसमें देखो, तीन से भाजकता के नियम में एक बात हमें ध्यान रखनी होती है कि इसका नियम, यानी कि क्या कॉन्सेप्ट तीन का है, यह है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभाजित हो जाए तो वह संख्या तीन से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि जो संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग, यानी कि देखो आपके सामने उदाहरण से समझते हैं, इस नियम को हम उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास में संख्या दे रखी है 8541। अब हमें ये चेक करना है कि इस 8541 में तीन का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो इसमें क्या किया, संख्या के सभी अंकों का योग किया। तो सभी अंकों में देखो, अंक आठ है, पांच है, चार है, एक है, तो हमने आठ प्लस पांच प्लस चार प्लस एक का योग किया, तो योग हमारे पास में आ गया, वो आ गया 18। 18 योग आता है। अब देखो 18 में तीन का भाग जाता है नहीं जाता है, तो 18 में तीन का भाग पूरा पूरा जाता है, इनकी तीन के पहाड़े में 18 आते हैं।
तो इसका मतलब है कि 8541 संख्या है में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। इस नियम का ये कॉन्सेप्ट था कि जो भी हमें संख्या देगा, चाहे संख्या कोई भी हो सकती है हमारी, उस संख्या के अंकों का योग देखना है हमें, यानी कि अंकों का योग देखना है, कॉन्सेप्ट यही है। यहां से आपको ध्यान रखना है कि अंकों का योग देखना है। यदि अंकों का योग 3 के पाड़े से विभाजित होता है, इनकी 3 के पाड़े में आता हो, तो वह संख्या 3 से 100% इनकी 100% क्या होगी, विभाजित होगी। यह था 3 का कॉन्सेप्ट। चलिए आप एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं, आप 3 का भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला नियम पढ़ते हैं, 4 के भाजकता का नियम। मित्रों जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ में, और आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। यदि आप आज तक किसी भी संख्या में भाजकता के नियम पढ़ लिए, तो गणित की कोई ऐसी कैलकुलेशन या लसप मसप का जो ट्रिक होता है वो बहुत ही आसानी से हम आगे कर पाएंगे, क्योंकि लसप और मसप में भाजकता का नियम बहुत ही बड़ा रोल रखता है। यदि आपको लसप और मसप में लघुतम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती पढ़ना है, तो उसके लिए भाजकता के नियम इतने इंपॉर्टेंट साबित होंगे कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। हमारा आज का चौथा नियम है 4 से भाजकता का नियम, यानी कि संख्या 4 से भाज्य है या नहीं, इसका नियम पढ़ते हैं। तो 4 से भाजकता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों की संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो जाए, हमें सिर्फ उस संख्या के अंतिम दो अंक देखने हैं। जैसे हमारे पास में संख्या लिखी हुई थी 40832। अब इस 40832 में हमें तो सिर्फ अंतिम के दो अंक देखने हैं। अंतिम के दो अंक क्या है, अंतिम के दो अंक देखे तो अंतिम के दो अंक आए हमारे पास 32। अब जिसमें इनकी इस 32 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, आपको पता है 4 के पाड़े में 32 आते हैं, और 32 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि 40832 संख्या भी 4 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। मतलब इस 40832 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यह था हमारे 4 के भाजकता का नियम। नियम क्या है कि सिर्फ संख्या के दो अंकों को चेक करना है, यदि उन दो अंकों में 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में 4 का भाग जाएगा। यही हमारा नियम था। मैं इसको साफ कर लेता हूं, जो मैंने ऊपर लिख रखा है पेन से, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है हमारे यहाँ नियम, वो है 5 का नियम। तो 5 का नियम बहुत ही आसान नियम है। 5 के भाजकता के नियम के लिए आपको विशेष रूप से कोई इतना नहीं होता है कि हम चेक कैसे करेंगे या इसमें क्या है, क्योंकि ये बहुत आसान नियम है। यदि किसी संख्या के अंक में इकाई का अंक या तो हो जाए वो 0 या हो जाए 5, यानी कि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है, इकाई अंक 0 या 5 है, तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यही नियम है 5 की पहचान की। 5 के नियम की यही पहचान है कि संख्या का जो इकाई अंक होता है ना, उसका या तो अंक 0 हो जाए या वो अंक 5 हो जाए, तो 5 का भाग जाएगा। अब देखो उदाहरण देखें, जैसे हमारे पास संख्या लिखी हुई है 49085, यानी कि 49085। अब देखो इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, संख्या में इकाई का अंक कितना है, 5 है, जिसका मतलब है कि 49085 में 5 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा, यानी कि 5 से संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी। मित्रों इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था 5 का नियम। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हमें ध्यान रखना है 5 के नियम की बात। यह वीडियो सभी कक्षाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप गणित के अंदर किसी प्रकार का लघुतम समापवर्ती भी लोगे, महत्तम समापवर्ती लोगे या गुणा भाग करोगे, तो सब में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध साबित होगा। नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं 6 के भाजकता का नियम। मैंने इसको बड़ा करके लिखा है, थोड़ा सा इसको बड़ा किया है क्योंकि नियम नहीं है, बस इसमें आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताना था, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि यदि दी गई संख्या में जो संख्या दी है वो 2 से विभाजित है, एक तो उसमें 2 का नियम चेक करना है। यदि इसमें 2 का नियम चेक होता है और 3 का नियम भी चेक होता है, इनकी 2 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, क्योंकि आपको पता है
कि कोई भी संख्या 6 है तो किससे मिलकर बनती है, 3 × 2 से। यानी कि यदि किसी संख्या में 3 का भी भाग जाए और 2 का भी भाग जाएगा तो उस संख्या में 6 का भाग ऑटोमेटिक चला जाएगा। यह था 6 का नियम। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए 6 नियम का। नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं 7 का नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और हमें इसमें काफी मकसद करनी पड़ती है कि संख्या में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि हमें विषम संख्याओं के भागों के लिए बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मित्रों थोड़ा सा नियम बड़ा हो सकता है, इनकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका अलग है, इसीलिए ये मैंने इतना छोटा छोटा लिख रखा है, पूरा एक पेज स्लाइड में समझाया आपको, 2 स्लाइड में नहीं लिया है, तो 1 स्लाइड में हम समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि दी गई संख्या, इनके हमें जो संख्या देंगे उस दी गई संख्या के इकाई अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं, जब तक कि शेष संख्या 7 से कट ना जाए तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। मतलब कि इस लाइन का अर्थ यह हुआ कि हमारे पास में कोई भी संख्या दे रखी है तो उस संख्या के सबसे पहले हम इकाई का अंक लेंगे, उस इकाई के अंक को डबल करेंगे, डबल करके जो शेष संख्या रहेगी उसमें से घटाएंगे, फिर वो संख्या जो बनेगी उस संख्या का वापस इकाई अंक लेंगे और उसका डबल करेंगे फिर घटाएंगे। ये काम जब तक करते रहेंगे कि तब तक लास्ट में जो संख्या आएगी वो 7 से कट ना जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, इस नियम को आप बहुत ही आसानी से समझोगे और 100% आपको समझ में आ जाएगा। इस उदाहरण को समझिएगा, आप उदाहरण समझिएगा। आप उदाहरण में लिखा हुआ है कि 16,807 8 से भाज्य है या नहीं है, ऐसे एक चेक करना है। तो देखो इस संख्या का इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक हमारे पास था 7। इकाई अंक का दुगुना कितना होता है, तो 7 का दुगुना, यानी 7 का दुगुना हो गया हमारे पास 14। अब देखो मैंने 7 ले लिया तो शेष संख्या मेरे पास कितनी बची, शेष संख्या मेरे पास बच गई 1680। इस 1680 में से मैंने यह संख्या का इकाई डबल किया तो घटा दिया, तो 1680 में से 14 घटाए तो हमारे पास में अगली संख्या बच गई, वो बच गई 1666, इनकी 1666। अब देखो इस संख्या में अभी भी 7 से हमें करती नहीं कि बड़ी संख्या भाग देना पड़ेगा, हमें छोटी संख्या बनानी है, तो वापस क्या करते हैं, अब हम वापस काम करते हैं कि 1667 में से इकाई अंक 6 लेते हैं, 6 का डबल करते हैं तो 12 होते हैं। अब जब हमने 6 ले लिया तो हमारे पास शेष संख्या बच गई, वो बच गई 166। 166 में से हम 12 घटा देते हैं तो हमारे पास में संख्या आ गई 154। अब मित्रों 154 में भी अभी हमें 7 का भाग चेक करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं वापस लेते हैं 154 और 154 का इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक आ गया 4। अब इस 4 का दुगुना होता है 8, तो 154 में से 4 चले गए तो पीछे रह गए 15, और 15 में से हमने 8 घटा दिए तो हमारे पास में आ गए 7, और 7 है जो 7 से आसानी से कट जाता है, 7 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 16,807 है वो 7 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। यह था 7 का नियम। मित्रों इस नियम को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए, समझिए। 100% ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा था, मैंने साफ कर रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप इसको नोट को पूरा अपना जमा जमा कर अपनी कॉपी में लिखिए, ऐसे ही कुछ 2-3 संख्या आप नोट कीजिए, उसके इसी मेथड से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट, यानी कि हम जितनी ज्यादा गणित में प्रैक्टिस करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं हमारा 8 का नियम। तो 8 के नियम का क्या नियम कॉन्सेप्ट है कि 8 से भाजकता का नियम, यानी किसी भी संख्या में 8 की भाजकता का नियम क्या है, तो 8 की भाजकता का नियम पढ़ते हैं कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या, कोई भी संख्या होगी उसके अंतिम 3 अंकों की संख्या यदि 8 में भाग चला जाता है, यानी 3 अंकों की संख्या में 8 का, यानी जो अंतिम 3 अंकों की संख्या उसमें 8 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः भाजित है, यानी विभाजित है। अब देखो कैसे समझते हैं इसको, तो हमारे पास में संख्या उदाहरण लिखा है 34,152 का। देखो अब इसमें 8 का भाग देखना है, इस संख्या में 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, हम एक छोटी कक्षा में जो भाग करते हैं वैसे भाग करके देखेंगे तो टाइम लगेगा, हमें सीधा कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या नोट कर लो। अब 3 अंकों की संख्या हमारे पास बन गई, वो बन गई 152। अब इस 152 को 8 से पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि आप भाग देखे सिंपल भाग 152 में 8 का भाग आप आसानी से दे सकते हो, तो 8 का भाग पूरा पूरा जाता है
इस कारण क्या कि तीन अंकों में आठ का भाग पूरा पूरा जाएगा, इस संख्या में भी आठ का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो चलिए मित्रों, आठ का नियम आपने पढ़ लिया कि आठ का नियम है संख्या के तीन अंक चेक करने हैं लास्ट के, और उसके बाद में यदि भाग पूरा जाता है तो संख्या आठ से भाजित है, और पूरा नहीं जाता है तो आठ से भाजित नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हमारी, वो है नौ के भाजकता का नियम। तो नौ के भाजकता का नियम क्या है, बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है नौ के भाजकता के नियम का। आप ध्यानपूर्वक समझिए, आपको भी नियम समझ में आएगा। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट आज समझ रहे हैं हम इस सेशन में, जो आपकी हर एग्जाम हर प्रकार की तैयारी में काम आने वाला है। इसका नियम यह है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। सेम नियम है जो 3 का नियम था, वही 3 का नियम था कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, और यहाँ 9 का नियम है अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। फर्क सिर्फ इतना ही है, जैसे हमारे पास संख्या लिखी हुई है 2880 में अंकों का योग किया तो 2+8+8+0 बराबर आते हैं, वो आते हैं हमारे 18। अब 18 है वो 9 से विभाजित है, तो 18 9 से विभाजित है तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यह था हमारे आज के 9 का भाजकता का नियम। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 10 का नियम। और 10 का नियम हर किसी को पता है, चाहे वो पहली कक्षा में विद्यार्थी पढ़ता है तो भी बता देगा, क्योंकि बहुत ही आसान है 10 का नियम। 10 का नियम सिर्फ यही है कि जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 या 10 हो, या तो इकाई अंक 10 अंतिम अंक 0 हो, या दो अंकों की संख्या हो 10 या 20 कुछ भी हो सकती है, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो अंतिम अंक 0 है तो वह 10 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आपको पता है कोई भी संख्या लिख दो आप, और उसमें आप 10 का भाग चेक करना है, उसका इकाई कभी 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो 10 संख्याओं तक भाजकता का नियम पढ़ लिया है, लेकिन साथियों अभी जाइएगा मत, हम आपको इस सेशन में 20 तक के नियम पढ़ाने वाले हैं, तो आप अपना अभी अगला कॉन्सेप्ट पढ़िए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा 11 का नियम। 11 से भाजकता का नियम क्या है, देखो 11 से भाजकता का नियम यह है, 11 से भाजकता का नियम कि दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करके इनका अंतर यदि 0 या 11 में से कोई एक आ जाए तो वह संख्या इसे विभाजित होगी। किसे, 11 से विभाजित होगी। मित्रों इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, एक बार आप इसको एग्जाम के तौर पर समझिए, यानी कि उदाहरण देखिए, आपको अभी आतवा समझ में आएगा। चलिए उदाहरण लेते हैं हम, देखिए उदाहरण है हमारे सामने कि 95744 ये संख्या 11 से भाज्य है या नहीं ये हमें चेक करना है। अब देखिए 11 से भाज्य है या नहीं इसका चेक करते हैं, तो ये हमारी संख्या है सम स्थान के अंकों, देखते हैं सम स्थान का मतलब होता है दो नंबर पे कौन सा अंक है, तो दो नंबर पे है 4, फिर 4 नंबर पे कौन सा है, तो 4 नंबर पे है 5। तो सम स्थान पे दो अंक आते हैं 4 और 5, इनका योग देख लिया तो इनका योग आ गया 9। फिर हम विषम स्थान के अंकों का देखते हैं, तो पहले नंबर पे है 4, तीसरे नंबर पे है 7 और 5 नंबर पे 9। तो विषम स्थान इनकी पहला तीसरा पांचवा सातवां होते हैं विषम स्थान, तो हमारे पास में इन अंकों का योग देखा तो 7 9 7 11 4, इनकी 7 4 11 9 होते हैं 20, तो इनका आ गया मान वो आ गया 20। सम स्थान के अंकों का योग 9 है, विषम स्थान के अंकों का योग 20 है। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें यह काम चेक करना है कि इनका अंतर कितना है। तो देखो आप 20 में से 9 घटा सकते हैं, 9 में से 20 घटाओगे तो आपको अंतर, मैंने कहा था या तो अंतर 0 आ जाए या अंतर 11 आ जाए, तो यहाँ हमारा अंतर 11 आया है, अतः इनका अंतर 11 है जो कि 11 से क्या है, विभाजित है। इसका मतलब है कि यह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। कुछ भी नहीं है, हमें सम स्थान कौन से होते हैं ये बात और विषम स्थान कौन से होते हैं ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट नियम है 12 की भाजकता का नियम। तो 12 का नियम और 6 के नियम में कुछ कॉन्सेप्ट एक जैसा मिलता जुलता है। 6 में क्या पढ़ा था कि 6 होता है वो होता है 3 × 2 से प्राप्त। इसी प्रकार 12 किसे प्राप्त हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा 3 × 4 से प्राप्त। यानी कि जिस संख्या में 3 और 4 का भाग जाएगा वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। यह था 12 का कॉन्सेप्ट। जो 6 का कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट 12 में लग रहा है, तो आप 12 का कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। फिर हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं 13 का नियम। चलिए नेक्स्ट नियम है 13 से भाजकता का नियम। तो बहुत ही शानदार नियम है और काफी बार हमें संख्याओं के बारे में 13 के नियमों की संख्याओं के प्रश्न आते हैं। या तो हमें पूछा जाता है मित्रों 5 का, या हमें पूछा जाता है 7 का, या हमें पूछा जाता है 11 का, और या हमें पूछा जाता है 13 का। ये नियम 4 नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम माने जाएंगे आपके लिए। इन 4 नियमों का कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। चलिए हम पढ़ते हैं 13 का नियम। तो 13 का भाजकता का नियम क्या है, तो 13 के भाजकता का नियम है कि 13 के भाजकता का नियम दी गई संख्या में इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं, इस प्रकार अंत में बची संख्या यदि 13 से भाज्य है तो वह संख्या 13 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। क्या करना है, इकाई अंक को, इकाई अंक है, इस इकाई के अंक को गुणा करना है 4 से और शेष संख्या में जोड़ देना है, शेष संख्या में जोड़ देना है। तो देखिए आपके सामने उदाहरण देते हैं हम। उदाहरण में लिखा हुआ है 11648। अब 11648 में इकाई अंक है 8, 8 को 4 से गुणा किया तो आगे 32, शेष संख्या रहेगी हमारे पास 1167। तो 1167 में 32 जोड़ दिया तो हमारे पास आगे 1196। अब वापस वही काम किया, फिर इकाई अंक देखा तो इकाई अंक था 6 को गुणा किया 4 से तो बन गए 24, शेष संख्या थी 119, तो 119 में 24 जोड़ दिया तो संख्या बन गई 143। फिर वही इकाई अंक देखा 3 का 4 गुणा किया तो गया 12, शेष संख्या थी 14, 12 और 14 जोड़ दिए तो संख्या बन गई 26। इस प्रकार से प्राप्त संख्या 26 है जो 13 से विभाजित है, अतः इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या भी 13 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यह था 13 का नियम। चलिए आपने इसको समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट को। आप एक बार नहीं, वीडियो को रोक करके 2 बार 3 बार वापस बैक जाकर सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकी नेक्स्ट नियम वो है 14 से भाजकता का नियम और 15 के भाजकता का नियम, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। 14 से भाजकता का नियम तो कुछ भी नहीं है, जो नियम 6 और 12 में लगा था वही 14 में लगेगा। इनकी 14 किससे मिलके बनता है, तो 14 का नियम कुछ भी नहीं है, 14 बनता है 2 × 7 से। तो 2 × 7 से 14 बनते हैं, तो जिस संख्या में 2 और 7 का भाग जाएगा उस संख्या में 14 का भी भाग जाएगा। तो 14 का नियम तो बहुत आसान है। नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं 15 का। तो 15 का नियम क्या है, 15 का नियम पढ़ते हैं हम। एक बार रुकिए थोड़ा सा, चलिए हाँ, 15 का नियम, 15 का नियम ये है, देखिए मित्रों 15 का नियम जो है वो भी आपको काफी बार पूछा जाता है कि कोई भी संख्या 15 से तभी पूरी तरह से विभाजित होगी जब उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तथा उसके साथ समाप्त होने वाला 0 या 5 से समाप्त होने चाहिए, इनकी इकाई अंक समाप्त का मतलब है इकाई अंक, और इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। मतलब मित्रों यहाँ देखो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, 0 और 5 किसका नियम था, 5 का नियम था, और अंकों का योग 3 से किसका नियम था, 3 से नियम था। यानी कि जिस संख्या में 5 और 3 का भाग जाएगा उस संख्या में 15 का भी भाग जाएगा। तो 15 का नियम आपको बहुत ही आसान समझ में आया होगा, लिखा हुआ टेढ़ा था लेकिन मैंने समझा दिया है, क्योंकि 0 और 5 होता है 5 का और 3 से विभाजित अंकों का योग होता है 3 का होता है, तो 5 और 3 यानी जिस संख्या में 5 और 3 का कॉन्सेप्ट चलता है वो संख्या में 15 का भी कॉन्सेप्ट लागू होगा। इनकी दोनों नियम लगेंगे 5 और 3 के, तो ही 15 का लागू होगा, एक के लिए लागू नहीं होता है। चलिए इसका हम उदाहरण समझ लेते हैं। तो उदाहरण है इसका
कि संख्या लिखी हमारे पास में 8, 4, 6, 9, 2, 2, 5 यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 84,69,225 में 15 का भाग जाता है या नहीं जाता, चेक करना है। तो अंतिम अंक है 5, तो एक कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा देखते हैं अंकों का योग, तो 8+4+6+9+2+2+5 यानी कि आ गया 36। अब 36 में 3 का भाग जाता है तो जाता है, तो 3 का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है, तो संख्या में 15 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, दोनों शर्तें लागू है। तो ये हो गया हमारा इसका 15 के भाजकता के नियम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम 16 से भाजकता के नियम का। तो 16 से भाजकता के नियम के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे मित्रों। 16 का नियम थोड़ा सा बहुत ही बड़ा नियम माना गया है और काफी इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए 16 का पहला कॉन्सेप्ट है आपके सामने, वो है कि दी गई संख्या का हजारवां अंक यदि सम है, जैसे मैंने आपके सामने की संख्या लिखी 6, 5, 4, 3, 2, 0। अब इस संख्या में इकाई का अंक ये दाई का अंक, ये सैकड़ा का अंक, ये हजारवां अंक, ये 10,000वां अंक और ये लाखवां अंक है। तो अपने को पूछा है कि दी गई संख्या का हजारवां अंक यानी कि 4 नंबर वाला अंक, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर वाला अंक सम है, सम मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, सम है तो क्या करना है, तो आप उस संख्या के अंतिम 3 अंकों को 16 से भाग देकर देखेंगे, यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो यह संख्या 16 से पूरी तरह से भाज्य होगी। मतलब कि यहां तक अपने को समझ में आ चुका है कि जब संख्या में हजारवां अंक सम है तो संख्या के सिर्फ और सिर्फ 3 अंक देखने, कितने अंक देखने, 3 अंक, संख्या के सिर्फ और सिर्फ हमें 3 अंक देखने हैं और 3 अंकों में 16 का भाग देकर देखना है, यदि भाग जाता है तो 16 से भाज्य होगी। जैसे देखो आपके सामने उदाहरण समझा हुआ है, 6,54,320 में हजारों अंक कितना आया आपके पास में, सम संख्या आगे 4, तो 3 अंक देखते हैं लास्ट के 3 अंक 320 देख लिए, 320 में 16 का भाग पूरा पूरा जाता है तो संख्या में 16 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 320 में 16 का भाग जाता है 20 बार, तो ये संख्या 16 से भाज्य होगी। ये था इसका एक कॉन्सेप्ट, नोट कीजिए आप 16 का पहले, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका दूसरा है कि जब 14,000वां अंक सम नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो देखो दूसरा है कि यदि संख्या का 1,000वां अंक विषम है यानी सम नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम संख्या के अंतिम 2 अंकों को लेकर 8 जोड़ देंगे और देखेंगे कि 16 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं। यदि भाग नहीं जाएगा इसका मतलब है कि यह संख्या 16 से पूर्ण भाज्य नहीं है, और भाग जाएगा तो भाज्य होगी। देखिए इसका उदाहरण समझते हैं हम, जैसे हमारे पास में संख्या लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 7 यानी कि हमारे पास में संख्या लिखी हुई है 1,23,457। यहाँ हम देखते हैं कि हजारवां अंक है वो हमारा 3 है, 3 एक विषम संख्या है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम संख्या के अंतिम 2 अंक लेंगे, अंतिम 2 अंक आएंगे 57, अंतिम 2 अंक में 8 जोड़ेंगे, 57 में 8 जोड़ हमारे पास बन गए 65, और 65 में 16 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि संख्या में 16 का भाग नहीं जाएगा। तो हमारे को 16 के 2 कॉन्सेप्ट समझ में आगे होंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा कि संख्या में 3 का भाग जाएगा, संख्या में जो हजारवां अंक है सम है या विषम, पहला ध्यान ये रखनी है, यदि हजारवां अंक सम है तो फिर 3 अंक देखेंगे संख्या के, और यदि हजारवां अंक विषम है तो उसमें 8 जोड़ेंगे फिर चेक करेंगे। ये था नियम, आप इसी सौ ले लें सेकंड कॉन्सेप्ट का जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं 17 से भाजकता का नियम। चलिए 17 से भाजकता के नियम के बारे में कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम, तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है इसका कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक
पांच गुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं, अंत में बसी संख्या 17 से भाज्य होगी तो उसमें 17 का भाग जाएगा। इसमें क्या काम करना है, वही काम है जैसे हमने 13 वगैरह में किया था, वैसा ही है कि संख्या है हमारे पास 16779। अब इसमें इकाई का अंक है 9 और इस 9 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आ गई 45। अब 45 शेष संख्या में से घटाएंगे तो शेष संख्या 1677, 45 घटाए तो बन गए 1632। फिर अंक लेंगे 32 लेंगे 2 का फिर 5 से गुणा किया गया 10, शेष संख्या बच गई 163। 163 में से 10 घटा दी 153 आ गए और 17 नमे होते हैं 153, 153 में 17 का भाग जाता है। इसी प्रकार 153 17 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में भी भाग जाएगा। ये था इसका कॉन्सेप्ट, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम सीखते हैं नेक्स्ट नियम है, वो है 18 का नियम। और 18 का नियम वही काम, 18 किसके पाड़े में बनते हैं तो 18 का नियम आपके लिए सीखना है तो 18 आते हैं आपके 9×2 के पाड़े में, इनकी जिस संख्या में 2 और 9 का भाग जाएगा उस संख्या में 18 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। ये था इसका 18 का कॉन्सेप्ट, जो आपने सीख लिया है। नेक्स्ट शब्द समझते हैं हम, वो है हमारा 19 की भाजकता का नियम। 19 भी विषम संख्या है तो इसका भी रोल, इनकी ये क्वेश्चन भी हमें पूछा जा सकता है। चलिए 19 के नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 19 का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को दुगुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। इस प्रकार यदि अंतिम संख्या 19 से भाज्य है तो वह संख्या 19 से विभाजित होगी। जैसे 1862 था, इकाई अंक 2 था, 2 का दुगुना किया तो 4 हो गए। इसमें शेष संख्या थी 186, 186 में 4 जोड़ दिए तो बन गए 190। 190 में 19 का भाग पूरा पूरा जाता है 10 बार, अर्थात इस संख्या में भी 19 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये था हमारे 19 के नियम का कॉन्सेप्ट, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आज का जो लास्ट नियम है वो है 20 से भाजकता का नियम। तो मित्रों 20 से भाजकता का नियम तो काफी आसान है, हम छोटी कक्षा में भी पढ़ते आ रहे हैं और बड़ी कक्षा में भी पढ़ा है, और 20 का भाग तो आप हर कोई दे सकते हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 20 का भाग पूरा पूरा जाता है तो संख्या 20 से विभाजित होगी। जैसे देखो 480 लिखा हुआ है, अंतिम 2 अंक देखे तो अंतिम 2 अंक के 80 में 20 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब ये हुआ ये संख्या 480 है जो 20 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है, धन्यवाद मित्रों, आपने हमारे आज के 20 कॉन्सेप्ट पूरे देखे, इनकी संख्या 1 से लेकर के 20 तक की भाजकता के नियम देखे, आपने अपना अमूल्य प्यार दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत आपका आभार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप में विद्यार्थियों तक शेयर करें। मेरा मकसद या बालाजी ऑनलाइन क्लासेज का मकसद है छात्र हित राष्ट्र हित। मित्रों इस वीडियो में गूगल द्वारा जो भी हमें आय प्राप्त होगी उस आय का 10% हिस्सा, उस आय का 10% हिस्सा हम गरीब परिवार के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में देंगे। तो यह था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। धन्यवाद, आपसे आप सभी का दिन शुभ रहे, बहुत बहुत आभार।